हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो मेहंदी है रचने वाली हाथ। हाँ, ये किस लिए? क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए हमारे ऊपर। इसीलिए हम खुद से गा रहे हैं, बैकग्राउंड फील नहीं दे पा रहे हैं। लाइक मेहंदी वाला म्यूजिक लगा के। एंड यस, हमारे घर में करवा चौथ की तैयारियां चालू हो गई हैं। एंड आज वी हैव स्टार्टेड विद द मेहंदी थिंग। Yes. आज मेहंदी लगाने वाले हैं एंड मेरे बहुत खास प्रिय मित्र आए हैं। मित्र मैत्री है ना? मैत्री क्या बोलते हैं? फ्रेंड, मित्र, मित्र नहीं होता है, मित्र होता है ना? मेल मित्र होता है, फीमेल। सो या मेरी बहुत एक सहेली। सो मेरी एक बहुत प्रिय बंदी आई है। सहेली बंदी, सहेली बंदी ये मेहंदी लगाने के लिए। सो नाउ फिलहाल यू कैन सी तैयारी। ये यहाँ पे मेहंदी पड़ी है। ये मैडम इधर है और यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हो गया है मम्मा को लगाना। बाप रे, श्रेया मैडम यहाँ पे देखिए, इजिप्शियन डिजाइन लग रही है। आज भी खतरनाक मेहंदी लगने वाली है घर में। खतरनाक मेहंदी क्या होता है? खतरनाक मतलब एकदम सही वाली। वो अच्छे निकालेंगे, खतरनाक थोड़े नहीं। तो अच्छी हेलोइन, हेलोइन भी आ रहा है। हेलोइन, हाँ हेलोइन भी आ रहा है। नन बना मम्मा को, नन गंजी गंजी चुड़े। बिजू आपका भी करवा चौथ। मैम को भी मेहंदी लगानी है। बिजू जाओ ऊपर, हम ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको भी लगानी है। जा जा उसको लीजू। अच्छा बात, चलो बारा जो उसको मम्मा के साथ ही रहना है ना। लीजा वाली होय तो मी गिरी लोली। आओ आती जा लो। यस चलो, मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली। कई सखियां अब कलियां आंगन में, नहीं हाथों में कि आंगन में खिलने वाली, कंधों पे खिलने वाली है। मारा मारा मारा। सो मैडम श्रेया, कैसे चल रहा है आपका परफेक्शन? आप ही बताओ अभी। एक्चुअली यहाँ पे टाइम कितना है? 45 हो गया है रात का। एंड अभी ये चालू है। सो आप समझ ही सकते हो कि कंडीशन कैसे चल रहा है अभी। अभी इसके बाद मेरा अलग से है। बारिश की मेहंदी स्टार्ट होने जा रही है बहुत इंतजार के बाद। और इस बार की मेहंदी बहुत स्पेशल होने वाली है। वैसे क्यों? ऐसे क्यों? क्योंकि इस बार के थोड़े डिज़ाइन जो है वो मेरे मतलब लाइक मैंने ऐसे पहले कभी नहीं बनाए करवा चौथ में ऐसे डिज़ाइन। इस बार बहुत यूनिक होने वाले हैं डिज़ाइन, तो वो जब बनेंगे उसके बाद सबको देखने को मिलने वाले एकदम अमेजिंग अमेजिंग डिज़ाइन। ताकि आप लोग नेक्स्ट करवा चौथ के लिए फिर ऐसे डिज़ाइन रेफर करना मेरे मेहंदी से। ओके समझा। अच्छा कैसे फील हो रहा है? फाइनली फेवरेट फेस्टिवल स्टार्ट हो गया, सारी तैयारी चालू हो गई। बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी लाइक कल ही है, सो अभी से स्टार्ट हो गया है। मतलब उधर ना एक ऐसे मेहंदी स्टार्ट हो गई है, मतलब फेस्टिवल की शुरुआत तो हो चुकी है। yes. अभी शुरुआत हो चुकी है, अभी उसके बाद कंटिन्यू है। सबसे मेन ये अच्छा लगता है फेस्टिवल, क्योंकि बस तैयार होते रहो तैयार होते रहो। वैसा कुछ नहीं है, भूखे भी रहते हैं हम भी लोग। और गणेश थोड़ा धीरे धीरे अभी सोच रहे हैं कि थोड़े थोड़े सालों में अभी वो भी स्टार्ट करें। yes. ये साल का मेरा सबसे बड़ा रेजोल्यूशन है कि मैं 1 घंटे के लिए फास्ट रखूँगा ये साल में मैक्स। ये साल का 1 घंटा, नेक्स्ट साल 2 घंटे, ऐसे करते करते एक बढ़ाते जाएंगे। 24 साल में 24 घंटे आएंगे ना फिर। यस फाइनली। तब तक नाथ भी नहीं रहेंगे आपके, तो उसमें अलग मजा है ना। ऐसे भी खाने में नहीं मिलेगा। ऐसे भी खाने नहीं आएगा कुछ, उसमें अलग मजा है ना। पीते रहो बस पानी। अच्छा पानी भी नहीं पीना होता है ना, सॉरी। ओके नहीं फिर ठीक है, उसका अलग मजा है फिर खाने वाले वापस।
क्या बात है, खातिरदारी। हाँ ये रिटेक लिया मैंने, पहले ऐसे लाके दिया था, इसने बोला फिर जाके लेके आओ। थैंक यू। इतना भी रियलिटी नहीं दिखाना होता है। अभी उसके बाद जो नीचे आने वाला है वो बहुत अमेजिंग। हाँ मतलब मेरा रेस्ट का टाइम है तब तक। नो, अभी कुछ खाने को भी ले आओ। अभी तक बस इतना मेहंदी हो चुका है और अभी बजे 2, चालू किया 10:30 बजे से, इतनी कलाकारी हो चुकी है अभी तक। बट कलाकारी एक्चुअली कलाकारी है ये, वन पॉइंट कलाकारी है। नहीं वो तो है, टाइम टेकिंग है बहुत, ये छोटा छोटा काम है बहुत, बट मस्त लग रहा बहुत है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। पूरा होने के बाद बहुत अभी प्यारा लग रहा है। इन दोनों दोनों हाथ का बैक बचा है, मतलब कितना, और 4-5 बजे तक, उसके बाद इनको सरगी भी खाना है, मतलब स्लीपलेस पूरा। डरावना लग रहा है। अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 4:45, और अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, होने आ रहा है, मतलब हो जाएगा, होने आ रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा अभी 2, मतलब आधे घंटे में हो जाएगा। चीज रखो, मेरी शक्ल भी आए। फिर वो भी खाना है, क्या होता है वो, सरगी। फेस्टिवल। सो या गाइस, हैप्पी करवा चौथ, करवा चौथ स्टार्टेड। इतना तो कर ही सकते हैं सरगी करने का आराम से। क्यों दर्द हो रहा है? आओ कुछ किसी में से खाना खाने के बाद पहले बोल देती हूं। हाँ हाँ ये बात है, किसे किसे नहीं करनी है, अच्छे से पेट भर खाना है। सो गाइस, अभी हमारा सरगी टाइम हो गया है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 4:30 होने वाले हैं। 4 बजे से खाना चालू करने का, बट ऑलरेडी हम आधा घंटा लेट हैं। सो सरगी बेसिकली होता क्या है, इट इज जस्ट एन बिफोर सनराइज, हम लोगों को ये खा के ख़त्म करना होता है। बट देन आफ्टर दैट वी डू नॉट हैव टू ईट एनी खान फूड एंड वाटर। अभी खिलाओ मेरे को सरगी सैंडविच। डोंट डिस्टर्ब मी। दो पीस और दो मंगनीज को। आपको पता है ये सुबह ना अपने ना हमारे जम्मू में बेसिकली वो होता है फैनी और कतलम भी होते हैं जो खाते हैं, मतलब कि जो हम लोग सुबह बनाते हैं अलग अलग टाइप का होता है ना, एक चीज़ होती है उसका नाम होता है, एक का नाम फेनी है, एक का नाम कतलम है, वो हम लोग खाते हैं सुबह। बट अभी नहीं है ना, देन एक्सेप्शन दैट लोग जिनको भूख बहुत लगती है ना, तो वो लोग ऐसे खाना पीना ऐसे ही होता है ना, सब्जी रोटी वो सब भी खाते हैं। हाँ। खाना खा लेते पूरा, मतलब प्रॉपर ऐसे होता है ना, सब्जी रोटी वीटी वो लोग भी कुछ भी खा सकते हो आप सुबह, बस उसके बाद नहीं खा सकते सनराइज के बाद। तो वो सीन में वो देखो ये सब ना, अभी ये टाइम पे लास्ट टाइम अरेंज हुए थे, अभी ये टाइम पे फेनिया कतलम पे भी अरेंज नहीं हुए ना। अब ये टाइम पे वो फेनिया कतलम पे नहीं है ना, और हम लोग तो क्या खा रहे, सैंडविच कुछ भी खा सकते हैं। मेरे पेट रोटी सबसे से बढ़ता है, सैंडविच से बढ़ता है, मेरे ऊपर छोले भटूरे भी खा लो। नहीं खा सकते बट नहीं जाता सुबह सुबह, इसीलिए मैं खाती सैंडविच यही रेडी। मैं कभी भी जाता है कुछ भी एनी टाइम, नींद में से उठा के बोलो ये खाना है अपन खा। मैं कब लगा बस कब रखते हो बताओ। हां रख रहा हूं ना 1 घंटे के लिए, शाम में ये साल के लिए 1 घंटा ठीक है ना, भाई के साइड से आप बोलने का कुछ भी नहीं है बस। हाँ कौन नहीं है इधर, एक पड़ा है ऑलरेडी। हाँ आपका ही है वो पड़ा, क्या है। हाँ तो मतलब दोनों खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं खाते। जल्दी जल्दी खाना, वो तो टाइम नहीं अपने पास। 5 बजने वाले, उससे पहले खाना है अपने को। केला ले,
भाभी ये साइड कौन करेगा? वो भी मैं करूंगा। कौन सा साइड करना? हाँ मैं। ओ गिरेगा, गिराओगे गाइस। दिस करवा चौथ Parashi's wish. It is going to happen. Yes, उसकी हो गई है complete. हम अलग से short लेंगे इसका. Yes, उसका short अलग से दिखाएंगे पूरा. So अभी उसकी wish है कि मैं भी कुछ निकालूं. तभी उसका मन रखने के लिए. उनका मन है ना? आपका मन नहीं था? नहीं मेरा, तेरा है इसलिए मेरा है. हैप्पी फास्टिंग वुमेन एंड आई होप सब लोग करवा चौथ बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं. कल जैसे कि आप लोगों ने पता ही है कि मेरा पूरा रात पूरा उसके बाद मेहंदी में गए हैं एंड उसके बाद अगेन 4 बजे सरगी. सो हम लोग 6-7 बजे तक फुल टाइट थे. मतलब कि इन शॉर्ट हमारा पूरा जो नाइट गया है लास्ट नाइट फुल स्लीपलेस गए है. सो उसके बाद बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि हम लोग अभी रात का जो फंक्शन लाइक रात में जो मेन पूजा एंड रात का जो हमारा है उसके लिए हम स्टैंड रखते. तो जो देखो भी थॉट कि हम थोड़ा आराम करेंगे एंड यू गाइस वॉन्ट बिलीव इट इज़ ऑलमोस्ट 3-4 नाउ. मतलब एक दिन आधा दिन तो निकल गया है बट इट्स फाइन यार बिकॉज रात को तो मतलब पूरा मतलब होता है ना बैंड बज गई थी बॉडी की तो हम लोग रिजिस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि हम थोड़ा भी जगें कि दिन का भी कुछ सेलिब्रेट कर सके. दिन के प्लान्स थे सेलिब्रेशन के कि कुछ तो करने का पता नहीं हो पाया. सो या अभी ये नॉर्मल फ्रेश वगैरह हो के अभी नाउ फिलहाल एंड विदाउट मेकअप बिकॉज अभी शाम का ग्लो के लिए आप रुको. शाम को अभी हम मैं और मम्मा जा रहे हैं अभी रेडी होने के लिए बिकॉज अभी लाइक नॉट नाउ लाइक 1 घंटे में 4-5 बजे हम थोड़ा स्टार्ट कर देंगे बिकॉज लेट्स सी अभी आज चांद कब आने वाला है. वो एक अलग स्टोरी है चांद का. बट आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माई रात वाले लुक के लिए. सो जस्ट वेट फॉर इट एंड वॉट आउटफिट्स एंड वॉट वॉट द थिंग आई एम गोना कैरी. सो या लेट्स सी. अरे गणेश आ गई, गणेश आ गई, गणेश आ गई. तैयार हो के आ गए. कौन सा? वो दुपट्टा है, मेरा दुपट्टा है वो. सो गाइस प्रेजेंटिंग यू ऑल डेंटन है. इधर देखो ना. ये मैं गणेश को बोल रही हूं मैं तेरी गुंद तो. वी आर रेडी फॉर द करवा चौथ पूजा एंड अभी चांद का वेट हो रहा है. चांद कब आने वाला है पता नहीं. जैसे ही चांद आएगा अभी देन हम लोग जाएंगे पूजा के लिए. सो टिल दैट हम लोग थोड़े हमारे सो टिल दैट हम लोग अभी थोड़ा हमारे रील्स वगैरह सब कर लेते हैं. चांद भी निकल चुका है फाइनली बहुत टाइम बाद. यस सो अभी हम नीचे जाएंगे और पूरी पूजा करेंगे. कहाँ पे चांद? बड़ी जगह आप देख सकते. मैं नहीं देख सकती चांद को. अच्छा हाँ हाँ गलत इंसान से पूछ के कहाँ पे. राइट राइट राइट. सॉरी सॉरी सॉरी.
नारियल पानी फॉर सो स्वीट ऑफ यू फॉर एनर्जी. आज दिन भर कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है तो दिस विल हेल्प टू गिव एनर्जी. ओके पिलो फिर. पूरा मेरा पूरा पेट ऐसे खींच के ले गए. तो फुल ऐसे इसीलिए पी लो पी. हम हमें माय फेवरेट राजमा एंड पूरी. जब भी मेरा दिल का फास्ट होता है हमारे रात में ये बनाते हैं राजमा को. इसमें को बहुत ज़्यादा पसंद है. मेरा फेवरेट है. और मेरी तू. सो इस साल का करवा चौथ बहुत स्पेशल और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ. तो क्योंकि इस बार हमने घर पे ही सेलिब्रेट किया सबके साथ. और यहाँ इस साल के हमारे आउटफिट भी बहुत अच्छे हैं. बहुत लास्ट टाइम का गोवा में हुआ था. लास्ट टाइम क्योंकि इसका बर्थडे और करवा चौथ सेम डे पे था तो वो बाहर हो गया गोवा में हो गया. बट यस इस साल का भी बहुत स्पेशल था. हर साल का स्पेशल रहता है वैसे तो. बट यस आई होप आपका भी बहुत अच्छे से गया होगा. सब लोगों ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया. अभी सब लेडीज फास्ट छोड़ दो. मस्त पेट भर के जो खाना है खा लो. मैं पहले छोड़ देता हूँ. और किसी बात को ये ब्लॉग हम यही पे खत्म करते हैं. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा ब्लॉग पॉज करिए. नीचे सब्सक्राइब का बटन है जाके क्लिक करिए. फिर ऊपर आके कंटिन्यू करिए. ओके तो यस टिल देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय गुड नाइट.